योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है। और वह किस रूप में, आपने इस बात को देखा होगा, प्राणायाम नाड़ी स्थिति का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। लेकिन व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथपंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपस्सना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी, एक धैर्य एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगी क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतम सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन सामान्य साधक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह अत्यंत एक आवश्यक कार्य है। और आज के समय में आप देख रहे होंगे क्या स्थितियां चल रही हैं, जहां पे खान पान गलत है, भोपाधि वृत्ति ज्यादा है, वहां पे एक सामान्य ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़े हुए बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30 फीसदी तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी, भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है। और यह समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सके, शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर गुस्से को नियंत्रित करना, अनावश्यक तनाव को पालने की बजाय। आप देखते होंगे सामान्य जीवन में भी अगर कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, परिस्थितियों में नियंत्रित कर लंबी और दीर्घ श्वास लीजिए। कभी घबराने की स्थिति आती है, लंबी और दीर्घ श्वास आप लेंगे, बहुत आराम आपको प्राप्त होगा, गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होता हुआ जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि आपकी उस पर मजबूत पकड़ होती है, अपने क्षेत्र में आप पारंगत होते हुए दिखाई देंगे। अनावश्यक गुस्सा बहुत बार न केवल तनाव का कारण बनता है बल्कि ऐसी भी घटना करा देता है जो बाद में पश्चाताप व्यक्ति को करना होता है। इसलिए इन सभी को नियंत्रित करने का एक माध्यम योग आपको देता है। बहुत सारी क्रियाएं हैं, शारीरिक शुद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के बहुत सारे विकार अपने आप ही दूर होते हुए जाएंगे, पेट जनित बीमारियां दूर होंगी, श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे, एक उम्र के बाद ज्वाइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा धीरे धीरे करके। उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, तो उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने, नियमित रूप से हम जरूर करें। और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं, सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं, या फिर पवन मुक्तासन है,